हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं न्यू ओवल्टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है और आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए रेलवे की नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनली रेलवे की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, तीन नए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, यानी कि तीन नई वैकेंसी आ चुकी है रेलवे की तरफ से। तीनों वैकेंसी की जानकारी हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप 10वीं क्लास पास हैं, 12वीं क्लास पास हैं या एनी ग्रेजुएट पास हैं, तो आप सभी कैंडिडेट्स आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अप्लाई जरूर कीजिएगा रेलवे की इन वैकेंसी के लिए, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो। और दोस्तों, हम आपको बताएंगे इन वैकेंसी की पूरी जानकारी, जैसा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, आवेदन कब से कब तक चलेंगे और किस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा। कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि दोस्तों आप सभी से शिकायत रहती है आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके। और फ्रेंड्स, रोजाना इसी प्रकार सरकारी नौकरी और रेलवे भर्ती की अपडेट के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि रेलवे की तरफ से नई वैकेंसी है। दोस्तों, 3500 प्लस यहां पर वैकेंसी आ चुकी है, जो कि रेलवे की तरफ से है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास और एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जैसा कि आईटीआई डिप्लोमा डिग्री, तब भी आप सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी, यानी कि नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पोस्ट पे नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। वहीं सैलरी की बात करते हैं तो मिनिमम 18,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, वहीं मैक्सिमम जो है 62,000 यानी कि 62,000 रुपए तक आपको पर मंथ सैलरी मिल सकती है। और ये जो वैकेंसियां हैं, तीनों की तीनों ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अधिक जानकारी और आवेदन करने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिएगा tipsworld.xyz पर। यहां पर आप जाकर के वैकेंसियों की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। वहीं सेकंड नंबर की जो वेबसाइट है वो है neovoltaic.co.in। यहां पर भी आपको डेली बेसिस पे नई वैकेंसियों की जानकारी देखने को मिल जाएगी, साथ ही साथ अप्लाई करने का लिंक भी आपको मिलेगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि तीन नई वैकेंसियां आ चुकी है, जो कि रेलवे की तरफ से है। तीनों की जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर वन वैकेंसी की, जो निकाली जा रही है कोची मेट्रो रेल की तरफ से। जी हां दोस्तों, कोची मेट्रो रेल लिमिटेड की तरफ से आ चुकी है नई वैकेंसी। पोस्ट की बात करते हैं तो डायरेक्टर फाइनेंस की पोस्ट यहां पर जारी की गई है, जिसके लिए केवल आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका इंटरव्यू होगा। सैलरी आपको 50,000 से 1,60,000 रुपए पर मंथ मिलेगी और एज लिमिट जो है मैक्सिमम 50 ईयर है, यानी कि 18 से 50 साल तक की एज के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, अगर आप पीजी पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, 19 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है। ये रहा नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई करने का। वहीं दोस्तों, दूसरे नंबर की जो वैकेंसी है वो है रेलटेल की तरफ से। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ चुकी है नई वैकेंसी। पोस्ट की बात करते हैं तो यहां पर ग्रेजुएट और डिप्लोमा इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी 103 है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। सैलरी आपको 12,000 से 14,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका इस पर रूल सिलेक्शन होगा। आपकी कोई भी एग्जाम नहीं है, केवल आपका इंटरव्यू होगा। और एज लिमिट जो है मिनिमम 18 है, मैक्सिमम जो है 27 साल है। आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। और एप्लीकेशन फीस जो है सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप डिप्लोमा या डिग्री पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, फाइनली अब बात करते हैं तीसरे नंबर की एक और नई वैकेंसी की, जो निकाली जा रही है बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप की तरफ से। जी हां दोस्तों, रेलवे की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। यहां पर आप देखते हैं 4 ITI और 4 non-ITI की वैकेंसी है। यानी कि अगर आप ITI पास हैं तो आपके लिए 300 सीट है। अगर आप ITI पास नहीं है, केवल 10वीं क्लास पास है, तो आपके लिए 74 सीट है। ठीक है, टोटल मिलाकर के 374 वैकेंसी यहां पर आ चुकी है। यहां पर आप देखते हैं कौन कौन सी डिसिप्लिन है, कौन कौन सी ट्रेड है, तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं नॉन ITI और ITI के लिए कौन कौन सी डिसिप्लिन है। अप्लाई केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, यानी कि आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी। ऑल ओवर इंडिया की ये जॉब है। एज लिमिट जो है मिनिमम 15 है, मैक्सिमम जो है 24 साल है। आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस जो है अदर्स के लिए 100 रुपए है। SC ST PWD और फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहां पर अगर आप नॉन ITI के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो केवल यहां पर आप दे सकते हैं 10वीं पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप 10+2 है तो अप्लाई कर सकते हैं। ITI के लिए 10वीं विद ITI मांगा गया है। आवेदन इसके भी शुरू हो चुके हैं। 26 अप्रैल 2022 इसकी लास्ट डेट है। सो फ्रेंड, 26 अप्रैल से पहले अप्लाई कीजिए।
मिलेगा, ये रहा अप्लाई करने का लिंक नोटिफिकेशन के साथ। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की रेलवे की नई वैकेंसी की अपडेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।